जापानीज लैंग्वेज जिन लोगों ने सीखना शुरू करा है, आज के इस वीडियो में हम कुछ बेसिक सेंटेंसेस सीखेंगे जिससे आपको जापानीज लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा और एक बात और आपको पता चलेगी कि जापानीज लैंग्वेज हिंदी से कितनी मिलती जुलती है। वेलकम टू निहोंगो मैक्स, मेरा नाम है रवि, चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पल्लवी एंड आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे बोल सकते हैं ये जगह कहाँ है, वेयर इज दी। सो वेयर को हम जापानीज में बोलते हैं दोको। सो यहाँ पे आप उस जगह का नाम डालोगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे पूछना है वेयर इज द स्टेशन, स्टेशन को हम जापानीज में बोलते हैं एकी। सो एज यू कैन सी, अगर आप इसको इंग्लिश से स्ट्रक करोगे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझने में, क्योंकि वेयर का मतलब है दो को, इस के लिए हम यूज़ करते हैं दिस, दी के लिए वी कैन सी कि हम वाई यूज़ करते हैं, नॉट एग्जैक्टली दा नहीं होता है वो, एंड स्टेशन इज एकी। सो सारे वर्ड्स जो हैं वो आगे पीछे हो गए हैं, बट अगर आप इसको हिंदी से स्ट्रक करोगे तो एग्जैक्ट सेम ट्रांसलेशन आएगी, स्टेशन कहाँ है क्वेश्चन मार्क। जो का है हमारा वो क्वेश्चन मार्क का काम करता है। सो एकी वा दोको देस का, स्टेशन कहाँ है क्वेश्चन मार्क, वेयर इज द स्टेशन। सो इस वीडियो में हम और भी बहुत सारी वोकैबुलरी सीखने वाले हैं, जैसे अभी हमने सीखा स्टेशन को हम कहते हैं एकी, ऐसे ही हम थोड़ी सी वोकैबुलरी और सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्योशित्सु, क्योशित्सु, आई होप आप में से किसी को पता होगा कि क्योशित्सु क्या होता है, अगर नहीं पता तो हम थोड़ी देर में देखेंगे कि वो क्या होता है। ऐसे ही होता है उकेत्सुके, उकेत्सुके, तोइरे, तोइरे, जिसको हम ओते अराई भी बोलते हैं, और एक और वर्ड सीखते हैं हम काई दान, काई दान। क्योशित्सु होता है क्लासरूम। अगर आपको बोलना है क्लासरूम कहाँ है, ट्राई टू स्पीक इट लाउड, आप खुद से एक बार इसको बोलने की कोशिश कीजिए, क्लासरूम कहाँ है। आई एम गिविंग यू 5 seconds, ट्राई टू स्पीक इट, 5, 4, 3, 2, 1। क्या क्वेश्चन था हमारा, क्योशित्सु क्लासरूम कहाँ है, क्योशित्सु वा दोको देस का, क्या आपने सेम क्वेश्चन बनाया था। ओके, नेक्स्ट है उकेत्सुके, उकेत्सुके होता है रिसेप्शन। सो लेट्स से अब आपको बोलना है रिसेप्शन कहाँ है, वेयर इज द रिसेप्शन, अगेन आई एम गिविंग यू 5 seconds, 5, 4, 3, 2, 1। उकेत्सुके वा दोको देस का, क्या आपने सेम सेंटेंस बनाया था। नेक्स्ट इज तोइरे या फिर ओते अराई, इसको हम बोलते हैं वॉशरूम या फिर रेस्ट रूम। इफ यू वॉन्ट टू से वेयर इज द वॉशरूम, देन इट विल बी तोइरे वा दोको देस का, तोइरे वा दोको देस का, एंड वी कैन ऑल्सो से ओते अराई वा दोको देस का, ओते अराई वा दोको देस का, एंड काइदान इज स्टेयरकेस। सो काइदान वा दोको देस का मतलब क्या हो जाएगा, स्टेयरकेस कहाँ है। दोको के लिए जापानीज में एक और वर्ड होता है विच इज दोचीरा। जब हम दोचीरा यूज करते हैं तो सेंटेंस थोड़ा सा पोलाइट हो जाता है रेदर देन दोको। सो वी कैन से क्योशित्सु वा दोचीरा देस का, एकी वा दोचीरा देस का, ओतेराई वा दोचीरा देस का, वी कैन यूज एनी ऑफ दिस।
मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और इसी तरह से अगर आप बेसिक से एडवांस तक जापानीज़ लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं nihongomax.com पर।